कि आप YouTube में नए हैं और YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा YouTube में अर्निंग करने के रूल क्या हैं, 2016 से 2018 तक YouTube में अर्निंग में क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें रूल में, इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं 2016 से। 2016 में रूल क्या था, अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके जैसे व्यू बढ़ते चलता है, आपका व्यू बढ़ रहा है, इसी हिसाब से व्यू के हिसाब से आप इसमें अर्निंग करना चालू कर देते थे। मतलब आपका जो भी पहला वीडियो था, पहले वीडियो से, पहले व्यू से 2016 में आप अर्निंग करना चालू कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं 2017 के बारे में। 2017 में क्या हुआ, यूट्यूब में कुछ चेंजेस हो गया। यूट्यूब में क्या चेंजेस किया, यूट्यूब में अपने रूल में कुछ चेंजेस कर लिया। अगर आपका कोई भी चैनल है तो इसमें अर्निंग आप कब शुरू कर सकते हैं, 10,000 व्यू के बाद। इसमें क्या होता था, आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं आपके चैनल में, सब वीडियो के व्यू मिला देते हैं और सब व्यू मिला के जब आपका 10,000 हो जाता है, 10,000 प्लस होने के बाद उसमें से आपको अर्निंग चालू हो सकता था। चलिए अब बात करते हैं 2018 के बारे में। आपने YouTube का नया चैनल खोला है या आप YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं तो YouTube के नए रूल के बारे में जान लीजिए। अभी YouTube ने नया जो रूल बना दिया इसके हिसाब से आपको बहुत टफ होने वाला है। अभी YouTube ने क्या क्या है, आपके अर्निंग के लिए कम से कम जो क्राइटेरिया रखा है, कम से कम आपके चैनल को 4,000 आवर वॉच होना चाहिए और 1,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए आपका लास्ट ईयर में। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब जाके आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। 4,000 वॉच का मतलब क्या होता है, अगर आप हिसाब करें तो आपके चैनल को कम से कम 333 घंटा वॉच होना चाहिए एक महीने में। इसी हिसाब से कम आपको 11 घंटे हर दिन वॉच होना चाहिए आपके चैनल को। और 1,000 सब्सक्राइबर इसका मतलब होता है आपको कम से कम एक महीने में 83 सब्सक्राइबर बनाना है, और इस हिसाब से हर दिन के हिसाब से आपको कम 3 सब्सक्राइबर बनाना है। यानी कि अगर एवरेज आप हर दिन 11 घंटे आपका वो चैनल को वॉच होता है, आपका यूट्यूब चैनल वॉच होता है और 3 सब्सक्राइबर आप बना पाते हैं तो एक साल के बाद आप अर्निंग चालू कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई